मेरा राजा मुझसे अगर लूट जाए, मेरा राजा मुझसे अगर लूट जाए, मेरा राजा मुझसे अगर लूट जाए, तो सासों से रिश्ता मेरा टूट जाए मेरा। मुबारक का एक और वीडियो, एक दरगाह का गैबन शाह सरकार जो है अंधेरी में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज है मतलब हम लोग के घर से चादर पेश होती है, उर्स चालू है ना, गैबन शाह सरकार आज़ाद नगर में जो है अंधेरी वहाँ पे उर्स चालू है, और आज हम लोग के घर से चादर पेश होती है। मतलब सब भाई लोग और भाई के दोस्त लोग मिलके संदल निकालते हैं, और 26 तारीख से ही ये इनका उर्स का पहला दिन हो जाता है, मतलब 10 दिन के लिए चालू रहता है। वैसे बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन की वजह से परमिशन हर चीज़ों की नहीं मिली, तो मैं वही बता रही थी। ये वाला मैंने ना नया नकाब लिया है पिंक कलर में, अम्मी देखो मेरे को कितना प्यार है माशाल्लाह। तो ये वाला जब नकाब मैंने लिया पिंक वाला, अभी तक पहना नहीं, मैं आज फर्स्ट टाइम ये उर्स में ही पहन के जा रही हूँ दरगाह पे। बहुत अच्छा ये फ्रिल वाला है वाइट एंड पिंक कलर में, सामने से बटन वाला मेरे पास अभी तक एक भी नकाब नहीं था, तो मैंने ये लिया। बस ये देखिए इतना प्यारा लग रहा है ये। अभी निकलने ही वाले सब लोग, पूरी फैमिली, पूरा मतलब खानदान है हम लोग का, अम्मी लोग का, माई का, मेरा ये, मेरे डैडी का, पहुँचते तो लगता है कि 12 बज जाएंगे, बस एरिया में ही नीचे तक ही बजाएंगे क्योंकि उतना परमिशन नहीं मिला है बाहर ये सब ढोल वगैरह का, तो जो थोड़ा मोड़ा कर सकते एरिया में ही। Oh, yeah.
बजा सभी यहाँ पे एरिया में बजाएंगे, घर के पास ही सब सबके घर यहीं पे है ना, रिलेटिव सब आसपास में ही है, और भाई के दोस्त लोग, उनकी दोस्त लोग की फैमिली भी सब इन्वॉल्व होती है, सब मिलके ही जाते हैं आज। सब बच्चे लोग को देखो, भाई लोग के सब बच्चे लोग हैं, उनके दोस्त के बच्चे लोग सब बहुत खुश रहते हैं पूरे साल में, उरुस का यहाँ का वेट करते हैं। और 30 तारीख के दिन हम लोग का स्पेशली हर साल 30 तारीख को ही संदल होता है। ये सब मेरे मतलब कजिन्स ब्रदर और उनके बच्चे लोग, सब भाई के बच्चे लोग, फुप्पू के बेटे, मतलब सब पूरे रिलेटिव्स, घर के सारे बच्चे होते हैं। अंधेरी के फैमिली से आप मिले नहीं हो, मैं आज आपको थोड़े मोड़े लोग से मिलाऊंगी, जैसे मेरी बहन है और भाभी लोग है, ऐसे तो सारे लोग आधे इस तरफ है। बस ये एंडिंग तक बजेगा ये परिवार बिल्डिंग, बस गार्डन तक ही, क्योंकि यहाँ तक ही परमिशन मिला है। बस अभी निकल जाएंगे हम लोग, तो रिक्शा से निकल जाएंगे और ये लोग सब आएंगे संदल लेके। वैसे तो फैमिली के आधे लोग इधर उधर खड़े हैं, ये मेरी बड़ी फुप्पू की बेटी है और पीछे मेरी भाभी लोग खड़े हैं सब, और दो तीन भाभी है सब, मतलब बड़े अब्बा की बहू फुप्पू की, सब इधर उधर खड़े हैं। तो इसलिए इधर पे जो खड़े, ये मेरी भाभी है, बड़े अब्बा की बहू दोनों भी, पीछे नाजिया अभी भी, अम्मी भी है, सब बैठे, वो पीछे भी भाभी है, सब बैठे हैं, और पूरी फैमिली रहती है इसमें, मेरी बहन है ये। तो हम लोग दोनों की जोड़ी, हम लोग दोनों हर साल साथ में रहते थे, लेकिन मेरी शादी के बाद से थोड़ा मैं उधर रहने लग गई वडाला में। तो यहाँ पे लास्ट बजाना और एंड हो जाएगा, बस परमिशन नहीं मिला, उस हिसाब से ही निकला है इस बार का संदल, है तो माशाल्लाह और भी अच्छे से निकलता है, तो एरिया में ही बजाने का परमिशन मिला है, इसलिए बस यहाँ पे एंड हो जाएगा और यहाँ पे बस नीचे गार्डन तक ही एंड हो जाएगा, फिर मेन रोड ये सब मेरी फैमिली है, मतलब और ये मेरी बहन है, इसने भी अलहवा से ही नकाब लिया है, और हम लोग सब मतलब उरुस के दिन सब एक साथ मिलते हैं। मैं भी इसको हाथ मत छोड़ा भाई, घूम जाएंगे दोनों भाई 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 फोन अरे वो घूम रहा हो ना, तेरे दर पे लिए आया हूँ, मैं नहीं कहता मुझे कैसी भी। उसके बाद हम लोग अंदर चले गए ज़ियारत करने के लिए, थोड़ी पढ़ाई करेंगे, अंदर बैठ के दुआ करेंगे, और अंदर का मैं ज़्यादा वीडियो शेयर नहीं करूँगी क्योंकि अंदर फ़ोन तो अलाउड रहता नहीं, और दूसरी चीज़ लेना भी नहीं चाहिए फ़ोन वोन अंदर, तो बाहर से जो मैं शेयर कर सकती थी वो मैं कर दूँगी, और अंदर का बस बैठे है वही, बाकी और मैं ज़्यादा नहीं शेयर करती। ये मेरी फुप्पी है, हम लोग सब अंदर ही बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, अम्मी फुप्पी सब बैठे हैं, और अभी चादर आ गई, संदल आ गया है, अभी ये लोग चादर पेश करेंगे, उसके बाद चादर पेश करने के बाद दुआ वगैरह हुई, और उसके बाद हम लोग न्याज खाने के लिए बैठ गए, पूरी फैमिली हम लोग की एक साथ बैठी, ये चादर पेश करने के बाद में दुआ हो गई और फिर खाना खाने गए, लंगर तो चालू ही था, और अभी हम लोग की पूरी फैमिली एक साथ बैठेगी, बड़ी अम्मी लोग, उनकी फैमिली, फुप्पी, भाभी, बहन लोग, सब लोग सब बैठ जाएंगे साथ में ही एक दस्तर पे, हम लोग सब खाएंगे, साइड में मेरी फुप्पी की फैमिली और वो साइड में मतलब बड़ी अम्मी, अम्मी, भाभी लोग, सब घर के बच्चे, हम लोग सब एक ही दस्तर पे सब बैठ गए थे।
नियाज स्टार्ट हो गई थी, दाल दूधी थी नियाज में, और दाल दूधी तो माशाल्लाह दरगाह की बहुत अच्छी ही होती है, घर में तो वैसी बन नहीं पाती है, कितना भी करो दरगाह का टेस्ट ही अलग होता है। अभी हम लोग की पूरी फैमिली एक साथ नियाज खाने बैठी है, बड़ी अम्मी, फुप्पी, भाभी लोग, सब लोग। उसके बाद फिर बस उसके बाद कवाली तो चालू थी घर के, जैसे जेंट्स लोग जितने भी भाई लोग हो सकते वो लोग तो रहेंगे, तो उरूस चालू है, 4 फेब तक चालू रहेगा। जिन लोगों को भी ज़्यारत करनी है वो आ सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में एड्रेस मेंशन कर दूँगी। मेरा